Digitization Mathematics Online Classes Day Number 82 Topics Allah Matrix and Determinants. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, 0 ए इक्वल टू कितना दिया है, बी इक्वल टू है हमारा 2300, देन ए बी इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है 0060 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 0040 सी ऑप्शन है 0064 एंड डी ऑप्शन से 0000. ठीक है, तो इसमें हो पाएगा हमारा डी, यानी सॉल्विंग करेंगे 00 आ जाएगा, ए भी 0 बी भी 0, इस तरह से ये कंडीशन 00 आ जाएगी. 32 नंबर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, बार बार आ रहा है, वो मैं दे रहा हूँ. ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा इज, इसका आंसर 0 आएगा, यानी कि इसमें रिएक्शन किया जाएगा आर वन डैश टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी क्वान्टिटी 0 होती है, टोटल यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका इज क्या देते हैं 0. ठीक है, तो ऑप्शन था 0 1 इनफाइनाइट एंड ओमेगा, तो आंसर इसका आता है 0. नेक्स्ट द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स 1 1 1 ए बी सी एंड बी प्लस सी, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, इसका वैल्यू फाइंडिंग करना है. क्या वैल्यू बन पाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आर वन टेंस टू, रिएक्शन कर रहा हूँ आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू टेंस टू आर टू माइनस, ये आर वन है ये आर टू है ये आर थ्री. तो नेक्स्ट लाइन्स 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा 1, ए माइनस बी ये बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, यानी कि ए माइनस सी माइनस ए, तो माइनस का ए माइनस बी बनेगा, ऐसे यहाँ बी माइनस का बी माइनस सी बनेगा. आर वन से ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे एंड आर टू से बी माइनस सी कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो लाइन बनेगी 0 0 1 1 1 1 माइनस वन माइनस वन एंड ए प्लस बी. तो आर वन इक्वल टू आर टू, ये आर वन है ये आर टू दोनों इक्वल हैं, तो डिटरमिनेंट्स इसका जो वैल्यूज होगा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन दिया है अल्फा इक्वल टू, सॉल्विंग करना है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस का बी सी माइनस ए माइनस का बी बी माइनस सी, देन मतलब इसका मान कितना है. अल्फा इक्वल टू 1 बी है अल्फा इक्वल टू 0 सी है अल्फा इक्वल टू माइनस 1 डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा आंसर इसका बनेगा. सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने के बाद कंडीशन बन पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर है 35. भी ऐसा ही एक है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्विंग करना है, एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 3 एक्स प्लस का 7 एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस का 5 एंड एक्स प्लस का 10 एक्स प्लस का 4 एक्स प्लस का 8 एंड एक्स प्लस का 14 इज. ठीक है, तो इसको सॉल्विंग करेंगे, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कट करने का प्रयास करना है. ठीक है, जैसे कि सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी टू, तो यह होगा एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 3 एंड एक्स प्लस का 7, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस का 5 माइनस एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस का 10 माइनस एक्स माइनस का 7 एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 8 माइनस एक्स माइनस का 5 एक्स प्लस का 14 माइनस एक्स माइनस का 10. तो नेक्स्ट लाइन बनेगा ये एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 3 एक्स प्लस का 7 1 2 3, यहाँ पे भी 2 3 एंड 4, 2 माइनस का 1 1 हो गया था
ठीक है, वहाँ पे बनता है टू थ्री एंड फोर। अब इसको सॉल्विंग करें और, ठीक है, तो और ज़्यादा सॉल्विंग करेंगे तो या तो एक्स के टर्म में क्वांटिटीज आएगी और हाँ, और ज़ीरो तो नहीं बन रहे, एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स के टर्म में है ये, कहाँ है, तो राइट में अगर एक्सपेंड करता हूँ तो एक्स प्लस वन के लिए लेंगे इसका 8 माइनस 9, माइनस इस वन के थ्रू ये इंटू ये, तो 4 इंटू एक्स प्लस का 3 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 प्लस 2 इसकी यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस का 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 7। तो अब लेंगे ये माइनस का 1 एक्स प्लस का 1, माइनस का 1 ये हो जाएगा 4 एक्स प्लस 12 माइनस का 3 एक्स माइनस 21 प्लस का 2 3 एक्स प्लस का 9 माइनस का 2 एक्स माइनस का 14 माइनस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स माइनस का 9 प्लस का 2 एक्स माइनस का 5, तो गया माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस 9 प्लस का 2 एक्स माइनस का 10। ये एक्स वाले टर्म कैंसिल हो रहे हैं और ये बन जाएंगे माइनस का 11 प्लस का 9 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो आंसर आ रहा है इसका माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। ऐसे ही क्वेश्चन से मैं सॉल्विंग करने के लिए दे रहा हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपकी बार एक्स की वैल्यू फाइंडिंग करनी है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देन एक्स इक्वल टू ए ऑप्शन है 1 1 0, बी ऑप्शन है 0 माइनस 1 1, सी ऑप्शन है 1 माइनस 1 एंड 3 एंड डी ऑप्शन है 0 0 एंड 3। ठीक है, ये एक्स की क्वांटिटीज आएंगी जब हम इसको सॉल्विंग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 37। दिया है के A1, A2, A3, के A1, A2, A3 और B1, B2, B3, C1, C2, C3 इज इक्वल, किसके इक्वल होगा? तो के का मल्टीप्लाइंग्स कहीं एक जगह होगा, है ना? तो ऑप्शन जो दिए थे वो था जैसे कि K1, K2, K3 सब में मल्टीप्लाइंग कर दिया है यहाँ पे, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन से जैसे K1, K2, K3 एंड B1, B2, B3, C1, C2, C3 यही इसका आंसर सही है। एक में डायगोनल में किया है वो भी गलत है, और एक में इधर से किया है वो भी गलत है। मतलब सी ऑप्शन में से लिखा था K1, B1, C1 एंड A2 एंड K2, C2, ठीक है, एंड A3 एंड B3 एंड K3। तो ये तो मतलब नहीं होगा ही नहीं, ये भी नहीं, टोटल में नहीं, केवल ये वाला सही होगा। डी में क्या कर दिया, इधर में के लगा दिया है और बाकी सब एलिमेंट्स वही हैं, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी के से मल्टीप्लाई करता है, तो इस तरह का क्वेश्चन प्रवक्ता में भी देखने को मिला है और डायरेक्टली TGT एंड PGT में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी दोनों लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लेवल में कोई सा भी क्वेश्चन, सो जैसे क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में आता रहा है, 1BBQ 1CCQ, आज ये क्वेश्चन याद ही हो जाने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन तो है नहीं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये भी नहीं है, प्लस वाला बनेगा ही नहीं। ए माइनस बी, हाँ ये बनेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी बन जाएगा एंड सी माइनस ए, एंड डी ऑप्शन है ए माइनस बी
बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी और बचता है, ये आंसर इसका आता है। सॉल्विंग करेंगे ये आंसर आ जाएगा आर वन टेंस टू सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू और सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री, ए माइनस बी बी माइनस सी बनाएंगे, फिर सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी और बचेगा। ठीक है, तो ऐसा ही मैं एक दो क्वेश्चन और देंगे, ये वीडियोस को एंड करने का प्रयास करता हूँ ताकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। 144 का स्क्वायर देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, 9 लिख देंगे या 4 लिख देंगे और इसके बाद इसको सॉल्विंग करने का प्रयास करेंगे, जो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, 1 एंड ये 0, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। एफ इज द पोलोनोमियल्स, एफ एक्स इज ए पोलोनोमियल्स, पोलोनोमियल सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 1/2 एफ ऑफ एक्स एंड 1, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 17, देन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 5 इज, ए ऑप्शन 126, बी है 626, सी है माइनस का 124 एंड डी है 624। तो आंसर इसका आता है 626, एफ ऑफ 2 का मान 17 है। ठीक है, एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 बन जाएगा, तो एफ ऑफ 2 17 है, ऐसे एफ ऑफ 5 निकालना है तो एक्स की जगह 5 रख देंगे तो एफ ऑफ 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 5 रखने के बाद एफ ऑफ 2 की क्वान्टिटीज यूज़ करेंगे, एफ ऑफ 5 भी यहाँ पे रख दिया जाएगा और सोल्विंग करने का प्रयास करेंगे, जो भी क्वान्टिटी आएंगी सोल्विंग करने के लिए इतना आंसर आ जाएगा।